हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट साइंस। और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। प्लेन मिरर के बाद हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या है कि दो तरीके के हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं। पहला है हमारा कॉनकेव मिरर। पहला कौन सा है? कॉनकेव मिरर। और दूसरा कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर, एज यू नो इट, ठीक है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स, जैसा कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग को इतना तो पता होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स किसको कहते हैं, ठीक है। फिर भी चलिए सबसे पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं। प्लेन मिरर क्या है कि प्लेन मिरर बिल्कुल प्लेन होता है, बस थोड़ा सा थिकनेस होता है उसका। लेकिन स्फेरिकल मिरर के बारे में हम कहते हैं कि स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। एक स्फेयर का पार्ट होता है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक हॉलो ग्लास का स्फेयर है, ठीक है। हॉलो ग्लास का क्या है? स्फेयर है। और हमने इसे कट कर दिया, ठीक है, हमने इसे यहाँ से कट कर दिया, तो जो पोर्शन बचेगा हमारा बिल्कुल ये होगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन बचेगा, ठीक है, ये हो गया स्फेरिकल मिरर हमारा। लेकिन ये मिरर तभी बनता है जब हम इसका एक साइड को हम इसे सिल्वर से कोटिंग करते हैं, ठीक है। तब तक ये मिरर नहीं बनेगा, ये बिल्कुल एक ग्लास रहेगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्फेरिकल ग्लास रहेगा। जब हम इसको एक साइड से कोट कर देंगे सिल्वर से, तो ये स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। हम किस साइड से कोट करें तो कौन सा मिरर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले आप ये जानेंगे कि मान लीजिए कि ये सेंटर है, इस स्फेयर का सेंटर है, जिसका ये स्फेरिकल मिरर एक पोर्शन है, ठीक है। तो सेंटर के जो साइड है, यानी कि सेंटर के साइड ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, जो धंसा हुआ होता है थोड़ा, इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव सरफेस। मैंने लिख दिया है हॉलो सरफेस ऑन द सेंटर साइड, इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव सरफेस। और जो सेंटर बाहर की ओर थोड़ा उठा हुआ रहता है, ठीक है, सरफेस विच बल्जेज आउट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम अंदर वाले सरफेस को छोड़ दें, यानी कॉनकेव सरफेस को छोड़ दें, और कॉन्वेक्स वाले सरफेस पे अगर हम सिल्वर का कोटिंग कर दें, ठीक है, किस सरफेस पे? कॉन्वेक्स वाले सरफेस पे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स वाले सरफेस पे अगर हम सिल्वर का कोटिंग कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा कॉनकेव वाला सरफेस, ठीक है। ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और अगर हम बस इतना करें, ठीक है, कि ये जो हमारा ये सरफेस है, ठीक है, ये हो गया कॉनकेव सरफेस। अगर हम कॉनकेव वाले सरफेस पे ही सिल्वर कर दें, ठीक है, कॉनकेव वाले सरफेस पे ही सिल्वर कर दें, तो हमारा बच जाएगा कौन सा सरफेस? कॉन्वेक्स सरफेस। हम इसे कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्फेरिकल मिरर के ढेर सारे टर्म्स हैं हमारे पास, जिसे हम लोग बारी बारी से जानेंगे। मैंने सबका नाम लिख दिया है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपेरचर ऑफ द मिरर, फोकस और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो सबके बारे में हम डिटेल से जानेंगे बारी बारी से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक हॉलो ग्लास का स्फेयर है और हमने इससे एक पोर्शन को कट किया है, ठीक। तो ये जो पोर्शन हमने कट किया है, ठीक है, इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, ठीक है, और ये जो पोर्शन कट किया है इसका जो सेंटर है, ठीक है, ये जो पोर्शन कट किया हमने इसका जो सेंटर होगा, इसे हम कहेंगे पोल। इसे हम किस नाम से जानेंगे? पोल। और ये जो स्फेरिकल मिरर, जिस पूरे स्फेयर का पार्ट था, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, इसे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल शब्दों में। अब आप क्या कीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। एक लाइन सेगमेंट नहीं है, आपको क्या ड्रॉ करना है? एक लाइन। लाइन दोनों साइड से इन्फाइनाइटली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए दोनों साइड इन्फिनाइटली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रोड्यूस होगा, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, और ये जो पी है पोल, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिनोट करते हैं आर से। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है फ्रेंड्स।
आगे आपको पढ़ना है मिरर का फोकस, फोकल लेंथ। तो फोकस और फोकल लेंथ क्या है, तो जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच हमारा होता है मिरर का फोकस, बीचों बीच। ठीक है, ये मैं आपको आगे बाद में रिलेशन बताऊंगा। हालांकि इसे डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि अगर मिरर पे, ठीक है, अगर मिरर पे कहीं से रे ऑफ लाइट आ रहा है, टकराने के बाद वो या तो फोकस की ओर जा रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से होते हुए निकला है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, लेकिन आप बस इतना जान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच होता है हमारा फोकस, और फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका बस एक चीज़ बच गया, वो है अपर्चर। अब अपर्चर क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि तो अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के अपर्चर के बारे में। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है तो ये कुछ इस तरीके का हॉलो होगा। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स एक आगे की ओर एक स्फेरिकल एरिया बनेगा, सॉरी सर्कुलर एरिया। और ये जो सर्कुलर एरिया होगा, ठीक है, ये मिरर का जो ये जो सर्कुलर एरिया होगा, यही डिटरमाइन करेगा कि मिरर पे, इस स्फेरिकल मिरर पे कितना अमाउंट ऑफ लाइट फॉल कर रहा है। सो द सर्कुलर एरिया विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज इट्स अपर्चर। इसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर का अपर्चर। चलिए ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।